नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नवरात्रे बिल्कुल आने वाले हैं और उसी से रिलेटेड है मेरी आज की रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी नवरात्रों में खाई जाने वाली इमली की चटनी। इसे आप पहले से बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं स्टोर करके। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है 50 ग्राम इमली, फिर मैंने लिया है गुड़, इसकी जगह आप शुगर भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने लिए हैं एक छोटी चम्मच सौंफ के दाने और दो छोटी चम्मच मैंने ली है किशमिश, इसकी जगह आप खजूर भी ले सकते हैं। और मेलन सीड्स मैंने लिए हैं दो चम्मच, एक चम्मच मैंने लिया है देसी घी और काली मिर्च का पाउडर भी मैंने एक चम्मच ही लिया है। सेंधा नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं और सोल्ट पाउडर मैंने लिया है एक चम्मच। सबसे पहले इमली में डाला मैंने आधा ग्लास पानी और इसे किया मैंने 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव। आप चाहें तो डायरेक्ट गर्म पानी डालकर भी इसे कुछ देर के लिए छोड़ सकते हैं। फिर किसी स्पून या फोक की हेल्प से आप इमली को इस तरीके से प्रेस करते हुए ठंडा होने के लिए छोड़ दें। मार्केट में इमली का रेडीमेड पेस्ट भी मिलता है लेकिन उनमें सॉल्ट होता है तो इसलिए हम उसे व्रत में यूज़ नहीं कर सकते। 10 से 15 मिनट में इमली बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, उस टाइम पर हम इसके पल्प और बीजों को अलग अलग कर लेंगे। फोक की हेल्प से मैंने इमली को मैश किया तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगी है। ऑलरेडी कुछ हद तक इसका जो पल्प है वो इसके बीज से अलग हो चुका है। मार्केट में बिना बीज वाली इमली भी मिलती है, अगर आप उसे यूज़ करेंगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा। इमली के बीज इसके पल्प से अलग हो चुके हैं, अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे। इस तरीके की एक बड़ी छलनी की हेल्प से हम सारी इमली को छानेंगे और आधा ग्लास पानी हमने पहले लिया था और आधा ग्लास पानी अब हम इसमें फिर से ऐड करेंगे। एक बार और हम अच्छे से इसको फेंट लेंगे ताकि जो सारा पल्प है वो नीचे वाले बॉल में ट्रांसफर हो जाए। इस चटनी को आप 2 महीने तक आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। हाँ, अगर आप इसमें ताज़े फलों का यूज़ कर रहे हैं जैसे कि अनार, अंगूर या केले, तो इसकी शेल्फ लाइफ घट जाती है, तब आप इसे 10 से 15 दिन के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। ये जो पल्प छलनी में बच गया है इसको मैं एक बार और यूज़ करूँगी। मैं इसको एक कंटेनर में डालकर उसमें 1 कप पानी डालकर फ्रिज में रख लेती हूँ और बाद में कभी सांभर वगैरह भी जब बनता है घर में तो उस टाइम पर इसका जो पानी है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। चटनी के लिए पल्प हमने तैयार कर लिया है, अब इसके लिए तड़का हम तैयार करेंगे। तड़के के लिए मैंने तो देसी घी लिया है, अगर आप इसके अलावा कोई और ऑयल भी यूज़ करना चाहें जिसे आप व्रत में खाते हैं तो आप वो ले सकते हैं। गैस पर कढ़ाई या फ्राइंग पैन रखने के बाद मैंने डाला उसमें देसी घी और साथ के साथ मैंने डाल दी है उसमें सौंफ। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रखें और इसके बाद हम डालेंगे इसमें मेलन सीड्स, खरबूजे के बीज। और ध्यान रखें खरबूजे के बीज बहुत ज़्यादा उछलते हैं इसलिए कढ़ाई को साथ के साथ ढक दें। खरबूजे के बीजों की चटर पटर अंदर से आनी जब बंद हो जाए उस टाइम पर मैं इसमें डाल दूँगी किशमिश। अब मैं डाल दूंगी इसमें इमली का पेस्ट। बस अब इसे एक बार चलाकर इसमें बाकी जो मसाले बचे हुए थे वो भी सारे एक एक करके ऐड कर देंगे।
काली मिर्च सौंठ पाउडर और नमक डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया गुड़। आप चाहें तो गुड़ को ग्रेट भी कर सकते हैं, बट वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको ऑलरेडी पकाने वाले हैं और जब हम इसको पकाएंगे तो जो गुड़ है वो अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। गुड़ डालने के बाद मैंने इसमें डाला 1 कप पानी और उसके बाद मैं इसे 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लूँगी। नवरात्रों में क्या होता है, कुछ लोग घर में व्रत करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं और इस तरीके से किचन में 2 तरीके का खाना बनाना पड़ता है। तो इस तरीके की कुछ छोटी छोटी तैयारियाँ अगर आप पहले से करके रखेंगी तो किचन में काम करना बहुत आसान हो जाएगा नवरात्रों में। इस चटनी को आप साबूदाने की टिक्की के साथ खा सकते हैं या फिर सामक के चावल का डोसा बनाकर या फिर उसका चीला बनाकर भी आप उसके साथ इसे खा सकते हैं। इसी तरीके से आप जो सिंघाड़े का आटा होता है उसके चीले या फिर उसका डोसा बना सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप कुट्टू के आटे का चीला बना सकते हैं या फिर उसका डोसा बना सकते हैं। 5 से 7 मिनट गैस पर पकाने के बाद हमारी चटनी लगभग तैयार है और अभी इसकी कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे होंगे बहुत ही लिक्विड है, लेकिन थोड़ी देर आप इसे स्टोर करेंगे यानी कि ठंडा होने के बाद ये अपने आप ही थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। तो बस यहीं पे मैं वीडियो को एंड करती हूँ और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।